क्या आप जानते हैं कि पेप्सी अपना बिजनेस इंडिया में खुद नहीं चलाता है? पिछले 30 सालों से यहां उनका बिजनेस चलाती है एक वरुण बेवरेजेस लिमिटेड नाम की कंपनी। वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का मेन काम पेप्सी की बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पेप्सी नहीं चाहता है कि हर जगह अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करे, इसलिए इंडिया में अपना बिजनेस करने के लिए वो वरुण बेवरेजेस को अपना ब्रांड नेम और पेप्सी बनाने का कॉन्सेंट्रेट देता है। हाँ, इससे अलग हर साल मार्केटिंग के लिए कुछ लगभग 350 करोड़ का खर्च भी करता है, जैसे कि सलमान खान से पेप्सी का एंडोर्समेंट कराना या आईपीएल स्पॉन्सर कराना वगैरह वगैरह। तो जब आप किसी किराने की दुकान पर पेप्सी की बोतल देखते हैं तो समझ जाइए कि वो वरुण बेवरेजेस से ही आई है। 2016 में जब वीबीएल स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ तो पहले दिन ही कंपनी के शेयर 6% गिर गए। कई सालों तक तो कंपनी नुकसान में थी और कर्जा भी बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं, आज की बात करें तो पिछले एक साल में इसका शेयर 100% से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। अगर आपने 5 साल पहले इसके शेयर्स खरीदे होते तो आज ये आपको 500% से भी ज्यादा का प्रॉफिट दे चुका होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या खास है इस कंपनी में, आखिर ना तो ये अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, ना ही ये पेप्सी के प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं, यहां तक कि रॉ मटेरियल के लिए भी ये कंप्लीटली पेप्सी पर ही डिपेंडेंट है और मार्केटिंग तो खुद पेप्सी ही संभाल रहा है। मतलब पेप्सी के बिना तो वरुण बेवरेजेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो इंडिया में बिजनेस के लिए पेप्सी को भी तो पूरी तरह वरुण बेवरेजेस पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आइए इसे समझते हैं। अगर पेप्सी के कुछ साल पहले के इंडिया में बिजनेस को देखें तो वीबीएल पेप्सी के सिर्फ 26% सेल कर रहा था, पर 2021 वो साल था जब से वीबीएल के लिए चीजें एकदम बदल गई। इस साल इनका सेल्स में कंट्रीब्यूशन 85% था और यहां तक ये पहुंचे सिर्फ पेप्सी को कन्विंस करके कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए पेप्सी के पास वीबीएल से बेहतर कोई और पार्टनर नहीं है। 2019 तक पेप्सी इंडिया के साउथ और वेस्ट जोन्स में खुद के बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स चला रहा था, पर एक टाइम पर पेप्सी को भी लगने लगा कि वीबीएल इंडिया में ये बिजनेस उनसे बेहतर कर सकता है। उसके बाद पेप्सी ने अपनी सभी यूनिट्स को रीफ्रेंचाइज करके अपने भरोसेमंद पार्टनर वीबीएल को हैंडओवर कर दिया। इससे पेप्सी का पूरा इंडिया का बिजनेस आ गया वीबीएल के कंट्रोल में और ये बन गए एक पेप्सी मोनोपोली। इसका मतलब हुआ कि पेप्सी को भी तो वीबीएल की उतनी ही जरूरत है जितनी की वीबीएल को पेप्सी की। धीरे धीरे वीबीएल ने इंडिया में पेप्सी की बाकी ड्रिंक्स जैसे कि ट्रॉपिकाना, स्लाइस, गेटोरेड और एक्वाफिना की बॉटलिंग डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी ले लिए। इन्होंने अपनी एक अलग एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च की स्टिंग के नाम से, जो एक बड़ा सक्सेस रही और पेप्सी के टोटल सेल्स का 8% कंट्रीब्यूट करती है। और ये सिर्फ बॉटल्स और ड्रिंक्स तक ही नहीं रुके, इन्होंने पेप्सी के साथ एक डील साइन की और अपने स्नैक्स कुरकुरे पॉपकॉर्न को भी लॉन्च कर दिया। वरुण बेवरेजेस के पास पेप्सी के बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 2039 तक हैं। मतलब अभी काफी टाइम तक कोई और प्लेयर इनके बिजनेस को खराब नहीं कर सकता। और अब तो वीबीएल ने इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, खास करके अफ्रीका में। जिम्बाब्वे में तो लगभग 0% से शुरुआत करके 50% तक मार्केट शेयर पर अब इनका कंट्रोल है। तो पेप्सी के इंटरनेशनली ग्रो करने के लिए वरुण बेवरेजेस एक अच्छा पार्टनर है। चाहे आप बर्गर खाओ, फ्राइड चिकन या फिर पिज्जा, साथ में पेप्सी तो होगी। और अभी इन्वेस्टर्स का भी यही मानना है कि खाना कुछ भी हो, पेप्सी हमेशा वहां होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।